हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि मिक्सर का कॉपलर या कॉपलिंग खराब हो जाए तो उसको कैसे रिप्लेस करें। ठीक है, जैसे कि अभी आप मिक्सर ऑन है लेकिन जार का जो रोटर है ये नहीं रोटेट कर रहा है। ठीक है, जबकि जार वाला सही है, जार बिल्कुल आपका सही है। जो मोटर का जो कॉपलर है, ठीक है, ये टूट चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टूट चुका है। टूट जाने की वजह से ये इसको नहीं रोटेट करा पा रहा है। ठीक है, इसको नहीं घुमा पा रहा जिस कारण से आपका जो जार का जो ब्लेड है वो नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉपलर का सभी पॉइंट जो है टूट चुका है। जैसे आप देखिए, इसमें रोटेशन है लेकिन ये टूट जाने की वजह से काम नहीं कर रहा। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको यहाँ से निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे निकालना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आसानी से निकल जा रहा है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो आपको यहाँ पे हीट करना है। ठीक है, थोड़ा सा हीट करने के बाद बहुत आसानी से, ज्यादा फोर्स आपको नहीं लगाना ताकि ये सब बॉडीज का डैमेज नहीं हो। ठीक है, हल्का फुल्का इसको हीट करना है आपको। हीट करने के बाद ऐसे आप करिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो हीट करने के लिए आप, मैं अगर घर पे होता तो हॉट एयर गन से यहाँ हीट कर देता, लेकिन यहाँ पे घर पे नहीं होने के कारण मैं कैंडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस तरह मशीन को उल्टा करके तब यहाँ हीट करना। ठीक है, बस आप इतना जाने कि आपको इस पोर्शन पे हीट करना है। अब आप जैसे हीट करिए ये सब डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ी देर आपको हीट करना है, उसके बाद आप इसको निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। इतना हीट होने के बाद मैं एक बार फिर से चेक करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और हीट करना होगा। ये आपको जला हुआ दिख रहा है लेकिन उससे कोई, इसको तो निकाल के फेंक देना, इसलिए थोड़ा बहुत जले भी ये तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हीट करते जाना है और हीट करके ही निकलेगा, और कोई उपाय नहीं है आपको निकालने का। हीट करने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको हीट करते ही जाना है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये बस फाइबर का है जो कि बस यहाँ बैठा हुआ है, कोई अलग से स्क्रू नहीं लगा था। तो बस इसका सिंपल उपाय है, आपको हीट करते जाना, जितना ज्यादा हीट कर दीजिएगा आप उतना जल्दी निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। बस ध्यान देना है आपको कि ये मिक्सर का जो दूसरा जो बॉडी है ये गले नहीं। ठीक है, तो बस इसको आप हटा दीजिए। दो टाइप का कॉपलर, या बहुत लोग इसको कॉपलिंग बोलते हैं और बहुत लोग इसको मतलब चक्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस इसको इसका नाम कॉपलर या कॉपलिंग कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए ये जार का है। ठीक है, इसमें स्क्रू दिया, नट दिया रहता है जो कि जार में लगता है, जार के जो बोल्ट रहता है उसमें कसा रहता है, एंटी क्लॉक कसा रहता है। ठीक है, तो हमको ये नहीं लगाना है। ठीक है, हमको ये लगाना है। ठीक है, ये मोटर का है, मोटर का कॉपलिंग है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए सेफ में आपको ला देना है। ठीक है, ला देने के बाद ऊपर से हल्का हल्का आप किसी भी चीज से, किसी सॉफ्ट चीज से, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदर बैठा देना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, बैठ गया। उसके आपको जार लगा के एक बार चेक कर लेना है, सिंपल उपाय, और कुछ नहीं करना है इसमें, कोई स्क्रू अलग से नहीं लगता। ठीक है, लगा के एक बार सप्लाई दे के चेक भी कर लेना है ताकि ये स्मूथली रोटेट कर रहा है या नहीं। अगर एक्स्ट्रा नॉइज होगा तो और थोड़ा अंदर दबाना होगा। आप देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से जार का जो ब्लेड है घूम रहा है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।